शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर दिया जोर। और भिलाई इस्पात संयंत्र ने पिछले 5 दशक के रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए 1,00,000 टन से ज्यादा का प्राइम रेल्स किए डिस्पैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अंतरिम बजट 2019 को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जन जन का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट पेश करने के बाद डीडी न्यूज को दिए विशेष साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। विशेष तौर पर समाज के उन वर्गों पर खास तवज्जो दी गई है जिन्हें राहत की बहुत जरूरत और उम्मीद थी। स्वाभाविक है हमें आर्थिक व्यवस्था भी सुधारनी थी। स्वाभाविक है अगर लंबे समय के लिए आपको कुछ काम अच्छा करना हो तो शुरुआत में नींव रखनी पड़ती है और मैं समझता हूं कि ये जो नींव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने रखी है ये इस देश को वर्षों क्या दशकों तक तेज गति से विकास के मार्ग पे और समाज के हर वर्ग और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को उज्जवल बनाएगा, ये हमारा अटल विश्वास। आखिर बिजली भी हमने इन 4 साल में ही पहुंचाई। आखिर हमने आयुष्मान भारत भी इसी पीरियड में लोगों तक पहुंचा है। आखिर शौचालय कोई ओवरनाइट तो 9 करोड़ 10 करोड़ शौचालय नहीं बने, ये लगातार बनते गए। आप मुझे बताइए कोई सरकार जो इतनी बड़ी राशि सिर्फ मात्र शौचालय बनाने के लिए अलॉट करती हो या किसने किया हो। आज किसानों का देखिए, हमने सिर्फ 6,000 रुपए आत्मसम्मान किसान को एक वर्ष के लिए नहीं दिया, 12 करोड़ के लगभग किसान परिवारों को अब सालों साल हमेशा के लिए ये हर वर्ष 6,000 रुपए मिलेगा। एक गरीब किसान के जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, मैं समझता हूँ ये अमीर नामदार और जो खानदानी कमाई के ऊपर या खानदानी नाम के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं उनको समझना बड़ा कठिन। उधर नीति आयोग ने अंतरिम बजट को एक संतुलित और विकास आधारित बजट करार दिया है। बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इनके लिए सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम की पेंशन योजना लॉन्च करेगी। बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसी प्रकार से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर है उनको ओल्ड एज में पेंशन मिले, ये मैं समझता हूं हमारी सरकार की सोच के साथ एकदम मेल खाता है। और कई सारी चीजें कामगारों के लिए गत 4 वर्षों में हुई है जिसका थोड़ा ब्यौरा मैंने दिया भी, चाहे वो ग्रेचुटी लिमिट हो, बोनस लिमिट हो, प्रोविडेंट फंड में अगर कोई धारक है और उसके मृत्यु हो जाती है तो 2.5 लाख से 6 लाख उसको पैसा मिले, इतने सारे विषय लेबर के संबंध में मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए लगातार होते रहे कि मैं समझता हूं कि ये भी एक विषय ऐसा था जो 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को एक वृद्ध अवस्था में वृद्ध जीवन को अच्छी तरीके से सम्मान के साथ बनाने के लिए बहुत आवश्यक। इस योजना के तहत 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले लोगों को फायदा होगा। उधर केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर सभी वर्गों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ वर्ग इसे सराह रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। भिलाई में लोगों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट के जरिए सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। वर्तमान में जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको आयकर की सीमा 2.5 लाख रुपया है, इस सीमा को इस अंतरिम बजट में बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। तो कर्मचारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बजट बहुत लाभकारी और स्वागत योग्य है। साथ ही साथ इस बजट में एक और बड़ा बात किया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 40,000 रुपया था उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया किया गया है। और साथ ही साथ एक और बड़ा प्रस्ताव है जो कर्मचारी हित के लिए है कि वर्तमान में कर्मचारियों को
20 लाख रुपया कर मुक्त ग्रेजुएटी दी जा रही है, उसको भी बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर मुक्त ग्रेजुएटी देने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। तो इसलिए कर्मचारी के रूप में मैं इस बजट को स्वागत करता हूं। अंतरिम बजट जो आया है वो किसानों के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, और किसान मजदूर और जो आम नागरिक है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे जो अभी की NDA सरकार है, उन्होंने अभी तक के 70 साल का सबसे बेस्ट बजट हमारा ख्याल में, क्योंकि इस बजट में जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान का, वो जय जवान जय किसान का नारा आज हमारे मोदी जी ने, NDA की सरकार ने उसको पूरा सकारात्मक तरीके से जमीन पर प्रस्तुत कर दिया है। जिस तरह से 5 लाख रुपए की आय को कर मुक्त किया गया है वो एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें व्यापारी और आम जनता सभी को फायदा मिलेगा, और जो 40 लाख तक व्यापार पर, टर्नओवर के व्यापार पर कोई GST की आवश्यकता नहीं है, वो एक भी बहुत बड़ा कदम है, और 1.5 लाख के निवेश पर 6,50,000 तक की आय हो तो उस पर भी कोई TDS नहीं कटेगा, ये भी बहुत बड़ा कदम है, अच्छी राहत दी गई है, उससे व्यापारियों में हर्ष है। उधर महासमुंद के किसानों ने भी बजट का स्वागत करते हुए कहा कि छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का फैसला सराहनीय है। ये केंद्र सरकार विगत वर्षों से किसान अभिमुखी बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसमें ये एक कदम है जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रस्ताव है। तो ये जो किसानों के तरफ जो इनकी दिशा बनी है वो बहुत ही अच्छा है कि किसानों को इसमें लाभ होगा और किसानों की तरफ सोचने पर आगे और कदम उठाए जाएंगे सरकार के द्वारा। बहुत अच्छा योजना हमारे किसान मन पर लाए है। ये 6,000 रुपया हमारे कई तरह से फायदा पहुंचाई, कभी कभी बीज पर पैसा नहीं रहा है, कभी कभी खाद पर पैसा नहीं रहा है, कोनो कोनो समय में तो ऐसे आते कि बीमारी लग जाते खेत में तो खर दवाई पर पैसा नहीं रहा है, अब आर्थिक तंगी अलग झूलत रहन बराबर जत का खरीदते बच जाते थे, धान ला सस्तम बेचल पड़ जाते, तो एक प्रकार से हमार मन के कहा जा सकते बहुत हद तक के भरपाई है, और शायद ये सरकार अब किसान मन के बारे में सोची से और अतकी और सोच ले थोड़ा बहुत तो बहुत फायदा हुई, और हम किसान मन ला ये सोच से जो 6,000 भले 3 किस्तों में मिली लेकिन समय समय पर हमार ला बहुत बड़े योगदान दी, हमारे काम ला निपटाए योगदान दी, और बहुत अच्छा ढंग से सरकार सोचे है, ये सब किसान के हित पर है, हमारे मन के हित पर है, और मैं एखर लिए बहुत ज़्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई दूँ। हमन जब काली खबर सुनें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान मन के सम्मान पर किसान सम्मान निधि योजना लागू करी से, तो पहली बार इसे महसूस हुई से कि कोई सरकार है जो किसान मतलब जे अन्नदाता है, जे सबके पालन करने वाला है, उकर मन की चिंता करके ऐसी योजना बनाई से जेकर माध्यम से किसान मन हम मुश्किल परिस्थिति में ये राशि से, चाहे वो बीज के भंडारण करे बर हो, चाहे खातू बर हो, चाहे अन्य व्यवस्था बर हो, एक ऐसे राहत दे है जे निश्चित रूप से वंदनीय है, और एकल्ले हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी कोटी कोटी बधाई देथन। इधर अंतरिम बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को व्यापक महत्व दिया गया है। रेल बजट का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के हिस्से आया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि यात्री सुविधाओं और अधोसंरचना विकास के लिए 4,588 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कल प्रस्तुत किए गए रेलवे बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसेंजर एमिनिटीज, कंप्यूटराइजेशन, वर्कशॉप मॉडर्नाइजेशन को इन सारी चीजों के लिए को मिलाकर कुल 4,588 करोड़ रुपए की का बजट दिया गया है। इसमें एक विशेष बात यह है कि पैसेंजर एमिनिटीज के लिए की राशि जो दी गई है वो पिछले वर्ष से करीब 110 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 176 करोड़ रुपए इस वर्ष आवंटित की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा और मॉडर्नाइज्ड पैसेंजर एमिनिटीज को डेवलप कर पाएंगे। श्री कुमार ने बताया कि नई रेल लाइनों के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नई लाइंस के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में जो रेलवे का पोर्शन आता है वहाँ कई जगह तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसके लिए 1020 करोड़ रुपए का वो डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया गया है। इसके अतिरिक्त गेज कन्वर्शन के लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं, तो उसके लिए भी लगभग 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन को सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू हो गई है। स्कूलों में भी 15,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में पदक वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं के लिए राज्य में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण तत्काल शुरू कराने की घोषणा भी की। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व सांसद करुणा शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुव्यवस्थित विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण किया जाएगा। समारोह में महाविद्यालय परिवार के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। भिलाई इस्पात संयंत्र ने इस महीने भारतीय रेलवे को प्राइम रेल्स के 1,00,000 टन से ज्यादा का डिस्पैच किया है। इसी के साथ बीएसपी दुनिया की सबसे लंबी 130 मीटर रेल्स के उत्पादन का रिकॉर्ड बरकरार रखे हुए है। बीएसपी के सीईओ अरुण कुमार रथ ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि 1,00,000 टन मासिक उत्पादन और रेल के डिस्पैच में सफलता हासिल कर हमने अपनी क्षमताओं को चुनौती दी है, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, भिलाई स्टील प्लांट में आज तो वी आर सेलिब्रेटिंग, हम लोग सेलिब्रेशन मूड में है, क्योंकि एक बहुत दिन से हम लोगों का था कि जो रेल का पटरी, आपको मालूम है कि भिलाई स्टील प्लांट 60 साल हुआ रेल का पटरी हम लोग इंडियन रेलवे को देते हैं, पूरा देश का भिलाई रेल के ऊपर में चलता है। तो एक था कि 70,000, 80,000, 85,000 करके हमको टर्न करके हम लोग रुक जाते थे, कभी भी हम लोग 1,00,000 टन क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो जनवरी महीना में हम लोग 1,00,000 टन क्रॉस कर लिए हैं। डिस्पैच भी रेलवे भी बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ में, वो 1,00,000 से ज़्यादा वो भी ले लिया, टन भी ले लिया। वो एक तो देश का निर्माण में वो बहुत बड़ा महत्व है कि रेल का पटरी जो है वो देश का, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो बहुत बड़ा महत्व रखता है, एंड भिलाई कर पाया है जनवरी में, सो वी आर सेलिब्रेटिंग दैट। गौरतलब है कि बीएसपी पिछले 5 दशकों से भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय रेल्स की आपूर्ति कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के कोलिहापुरी गांव जाकर पूर्व सांसद और समाजसेवी स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के समाधि स्थल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। इस दौरान संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री बघेल ने स्वर्गीय चंद्राकर के व्यक्तित्व को प्रेरणादायी बताया। बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, बहुत ही सहज सरल मिलनसार व्यक्ति, असल छत्तीसगढ़िया रहे हैं। पूरे दुनिया उन्होंने घुमा लेकिन अपने छत्तीसगढ़ियापन को उन्होंने बचाए रखा, पूरे आजीवन उसका पालन किया है। और आज उसके जाने से निश्चित रूप से बड़ी क्षति हुई, उसकी अपूर्णीय क्षति हुई थी। बहुत दिनों बाद आज सबको लग रहा है जो चंदूलाल जी ने सपना देखा था वो सपना अब साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि चंदूलाल जी ने जो सपना देखा था उसे हम पूरा कर रहे हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट को जन जन का बजट बताया, कहा सबका साथ सबका विकास बजट का मूल मंत्र। बजट को लेकर लोगों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया, किसान मजदूर और आम जनता को मिलेगा फायदा।
मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों और विद्यालयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की बात कही। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर दिया जोर। और भिलाई इस्पात संयंत्र ने पिछले 5 दशक के रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए 1,00,000 टन से ज्यादा का प्राइम रेंज किया डिस्पैच। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।